अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल कुक विद शीरिन काजी। आज हम बना रहे रुमाली रोटी, तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। देखिए, मैंने अभी इधर एक बर्तन ले लिया। अभी हम इसमें डालेंगे 2 कटोरी मैदे का आटा और 1 कटोरी गेहूं का आटा। आप चाहे तो सिर्फ मैदा ही यूज़ कर लें। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। आटे को अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैंने अभी इधर 1/2 ग्लास दूध ले लिया है। अभी हम इस आटे में दूध डाल के आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। दूध से रोटियां अच्छी नरम बनती है, इसलिए मैंने दूध से गूंद रही हूँ। आप चाहे तो पानी से गूंद लें। अभी हम इसमें और थोड़ा दूध डाल के आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। देखिए, मैंने आटे को अच्छे से गूंद लिया। अभी हम इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, इसको अच्छे से गूंद। देखिए, मैंने आटे पे थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। अभी हम इसको एक बार अच्छे से गूंद लेंगे आटे को। देखिए, मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया। अभी हम इसको ढककर 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। देखिए, 1/2 घंटा हो चुका है। आटे को अभी हम फिर से एक बार अच्छे से गूंद लेंगे। चलिए, अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। आपको जैसा सही चाहिए वैसा बना लें आप। देखिए, मैंने पेड़े को कट कर लिया। अभी हम इसको राउंड शेप में बना के इसको अच्छा से एक पेड़ा बना लेंगे। देखिए, मैंने सारे पेड़े को बना लिया। जो एक्स्ट्रा पेड़े है उसको निकाल लेंगे और सिर्फ एक पेड़ा लेके इस पे सूखा मैदे का आटा लगा के इसको अच्छे से बेल लेंगे। रुमाली रोटी बहुत पतली होती है, तो इसको अच्छे से पतली बेल लेंगे रोटी को। देखिए, मैंने रोटी को अच्छे से बेल लिया है। देखिए, अभी मैं इसको ऊपर नीचे करके इसको थोड़ा और बड़ा कर लेंगे रोटी को। चलिए, अब हम रोटी को बेलन पे रख के इसको अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए, मैंने रोटी को निकाल लिया। अभी हम इसी तरह दूसरी रोटी को भी बना लेंगे। देखिए, मैंने ये रोटी को भी बेल लिया अच्छे से। चलिए, अब हम इसको भी बेलन पे रख के निकाल लेंगे। देखिए, मैंने 1 कटोरी में पानी ले लिया। अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच नमक। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैंने कढ़ाई को 5 मिनट के लिए गरम करने के लिए रख दिया था। अभी हम कढ़ाई को दूसरी तरफ पलट लेंगे। अभी हम इस पे नमक वाला पानी डाल देंगे। नमक वाला पानी डालने से रोटी नहीं चिपकेगी। चलिए, अब हम इस पे रोटी को डाल देंगे। थोड़ा आहिस्ता से डालें। मेरी रोटी थोड़ा चिपक गई थी, आप थोड़ा आहिस्ता से डाल दें। अभी हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। देखिए, रोटी पे थोड़े से बबल्स आना शुरू हो गए। चलिए, अब हम इसको पलट लेंगे। अभी हम इस पे एक अच्छा सा साफ कपड़ा लेके इसको अच्छे से सेक लेंगे।
देखिए मैंने रोटी को अच्छे से सेक लिया। चलिए अब हम इसको निकाल लेंगे। अभी हम इसी तरह दूसरी रोटी को भी सेक लेंगे। अभी हम दूसरी रोटी के लिए भी नमक वाला पानी कढ़ाई पे डाल देंगे। इस पे एक नॉनस्टिक वाली लेयर बन जाएगी, रोटी हमारी चिपकेगी नहीं। अभी हम इस पे रोटी को डाल देंगे। देखिए मैंने रोटी को डाल दिया। अभी हम इसको भी अच्छे से सेक लेंगे। देखिए रोटी पे बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अभी चलिए इसको भी दूसरी तरफ पलट लेंगे। अभी हम इसको भी कपड़े से अच्छे से सेक लेंगे। देखिए मैंने ये रोटी को भी अच्छे से पका लिया। चलिए अब हम इसको देखिए मैंने इधर सर्व कर लिया है रुमाली रोटी को। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी नरम रोटी बनी है ये। आप अपने घर पे जरूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।